हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हम 25 सेमी वर्षा रेखा के आधार पर दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो 25 सेमी वर्षा रेखा है वो जो मरुस्थली प्रदेश है उसमें से इस प्रकार से कुछ गुजरती है। जो 25 सेमी वर्षा रेखा है उसके जो दाई ओर है वो तो है अपने अर्ध शुष्क प्रदेश, और जो 25 सेमी वर्षा के बाई ओर है उसको अपन क्या बोलते हैं, शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और शुष्क प्रदेश को भी अपन ने दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो वो भाग था जहाँ पे बालुका स्तूप थे और दूसरा वो वाला भाग था जहाँ पे बालुका स्तूप नहीं थे। तो ये जो बालुका स्तूप नहीं थे या बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है जिसको अपन ने हमादा भी बोला था, उसको अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। लेकिन आज अपन जो रिमेनिंग पार्ट है जहाँ पे बालुका स्तूप मौजूद है उस वाले पार्ट को अपन कवर करेंगे। तो इसी के साथ अपन कंटिन्यू करते हैं। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, तो शुष्क मरुस्थली प्रदेश को दो भागों के अंदर बांट रखा है, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है। जो युक्त क्षेत्र है जहाँ पे बालुका स्तूप मौजूद है वो करीबन 58.5% तक इस क्षेत्र के कवर करता है। और जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है उसमें बेसिकली तीन चीजें आती है। एक आते हैं धोरे एवं धारियान क्या होते हैं, ये रेगिस्तान का मार्च क्या है, और तीसरा खुद बालुका स्तूप आते हैं। बालुका स्तूप के अंदर इनके अपन प्रकार को पढ़ेंगे कि जैसे बरखान बरखान क्या है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होते हैं, अनुदेधरी क्या होते हैं, ये तारानुमा बालुका स्तूप क्या होते हैं, इन सब को अपन वन बाय वन कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ धोरे या धारियान की तो वो क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो देखो धोरे या धारियान क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो धोरे क्या होते हैं, जो लहरदार आकृति में रेत के टीबे होते हैं। देखो जैसे लहरदार आकृति में आपको दिख रहे होंगे ऐसे, तो जो लहरदार आकृति में रेत के धोरे हैं या रेत के जो टीबे इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, धोरे बोलते हैं। अब ये आपको पता है जो मरुस्थली प्रदेश के अंदर जो धोरे हैं वो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, कभी इस वाले क्षेत्र में होते हैं कभी 5 किलोमीटर आगे जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो गतिशील धोरे होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, धारियान बोलते हैं। तो सिंपल सी धोरे का क्या मतलब हो गया, जो रोहित के टिब्बे उन्हें तो अपन बोलते हैं धोरे। और ये धोरे जब चलने लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के साथ जाते हैं तो उन्हें अपन बेसिकली धारियान नाम से जानते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ रेगिस्तान के मार्च का तो उसका क्या मतलब है। तो देखो रेगिस्तान का मार्च का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मार्च क्या होता है। जैसे आपको पता कई बार अपन बोलते हैं आर्मी मार्च कर रही है, मतलब आर्मी क्या कर रही है, चल रही है। उसी प्रकार से रेगिस्तान के मार्च का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान का चलना। अब रेगिस्तान कैसे चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जब ये रेगिस्तान में जो रेत है उड़कर दूसरे स्थान पर जाती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। अब यानी सिंपल भाषा में अपन ऐसे बोल सकते हैं जो मरुस्थल का जो आगे बढ़ना है वही क्या है, रेगिस्तान का मार्च है। अब मैं अगर बात करता हूँ कि राजस्थान में रेगिस्तान का मार्च किधर हो रहा है या किस दिशा के अंदर है तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में जो अपने जो रेगिस्तान का मार्च है वो हरियाणा की तरफ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब उसका कारण क्या है, तो देखो इधर क्या है अपने अरावली है और अरावली के बीच में यहाँ पे क्या है सांभर गैप है जहाँ पे कोई अरावली पर्वतमाला का ऐसा भाग अपन को दिखाई नहीं देता है। तो जैसे जैसे अपने ये जो भभूलिया है वो आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी हवा इस सांभर गैप से उड़ा के हरियाणा की तरफ लेके जाते हैं। तो हरियाणा की तरफ क्या हो रहा है, रेगिस्तान की मार्च हो रहा है। और अगर मैं इसकी दिशा की बात करता हूँ तो देखो ये दिशा कौन सी हो जाएगी अपनी, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर क्या हो रहा है अपने रेगिस्तान का मार्च हो रहा है। और जो ये रेगिस्तान का मार्च हो रहा है उसमें जो बरखान टाइप के जो बालुका स्तूप है, बरखान टाइप के जो धोरे हैं उनका सर्वाधिक क्या है, योगदान है। और अगर मैं बोल रहा हूँ मरुस्थलीकरण की जो समस्या है या जो रेगिस्तान का जो मार्च की समस्या है वो सबसे ज्यादा किन जिलों के अंदर है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सांबर झील यहाँ पे है, तो सांबर झील के आसपास के जो जिले हैं नागौर है, जयपुर है और जो अजमेर है, इनमें ये मरुस्थलीकरण की समस्या क्या है, सबसे ज्यादा है। अपन कुछ पॉइंट और देख लेते हैं।
अब मैं अगर बालू का स्तूप की बात करता हूँ, जिसमें से सबसे पहला है बरखान या सीफ क्या होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो आपको इस तरह का ये चंद्रमा अर्ध चंद्रमा के आकार का जो धोरा दिख रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। अब इसका निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन को इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अर्धचंद्राकार धोरा है, इसमें हवा किधर से आती है, तो मैं बता देता हूँ। देखो एक तो इसकी ये वाली सतह है, आपको दिख रही होगी, एक आपको ये वाली सतह है। तो ये वाली सतह क्या है, उत्तल है, और ये वाली सतह क्या है अपने, अवतल है। तो देखो इसमें हवा इस दिशा से चलती है, मतलब उत्तल से अवतल की ओर हवा चलती है, तब इस प्रकार के धोरों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, इसमें उत्तल से अवतल की ओर हवा या पवन चलती है, तो इस प्रकार के धोरों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो इनकी आकृति क्या हो जाएगी, अर्धचंद्राकार, इनमें जो पवन की दिशा है वो क्या हो जाएगी, अपने उत्तल से अवतल की ओर हो जाएगी। और जो ये बरखान टाइप के जो धोरे हैं, ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार यही होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था रेगिस्तान के मार्च के अंदर जो बरखान है वो सबसे ज्यादा योगदान इसके अंदर देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बरखान जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, शेखावटी। और शेखावटी के अंदर कौन सा जिला, चूरू जिले के अंदर ये सर्वाधिक उपस्थित है। अब बरखान के अंदर भी कई बार क्या होता है, जो ये अपने हवा है इसकी दिशा क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है, और जो ये एक भुजा ये थोड़ी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, पहले भुजा इतनी थी, लेकिन हवा की दिशा चेंज होने से इसकी एक भुजा क्या हो गई है, लंबी हो गई है। तो जब भी बरखान की एक भुजा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो उस स्थिति में अपन बरखान को अपन क्या बोलते हैं, सीफ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने बरखान होता है वो तो एग्जैक्ट अर्धचंद्राकार होता है इस टाइप का, लेकिन हवा की दिशा बदलने से इसकी अगर एक भुजा लंबी हो जाए तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, सीफ बोलते हैं। तो बरखान और सीफ के बारे में अपन को इतना ही ध्यान रखना है। अब मैं अगर बात करता हूँ पैराबोलिक, तो ये पैराबोलिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया था ये वाली सतह क्या है, उत्तल है, और ये वाली क्या है, अवतल है। अगर हवा इस दिशा से चलती है, मतलब उत्तल सतह से अवतल सतह की ओर चलती है, तब तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। यानी बस इसमें दिशा का ही है, अगर उत्तल से अवतल की ओर हवा चल रही है और धोरों का निर्माण हुआ है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बरखान बोलेंगे। लेकिन अगर हवा इस दिशा से चले, मतलब अवतल से उत्तल की ओर चले, फिर धोरों का निर्माण होता है, उससे अपन क्या बोलेंगे, पैराबोलिक बोलेंगे। बस इनमें दिशा का ही फर्क है। और जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ये लगभग संपूर्ण राजस्थान के अंदर है, और सर्वाधिक बालू का स्तूप इसी प्रकार के हैं। मतलब जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और लगभग पूरे मरुस्थली प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इनमें हवा की दिशा कौन सी हो जाएगी, अवतल से लेके उत्तल की ओर हो जाएगी। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दो बालू का स्तूप और है, एक है अनुप्रस्थ, एक अपने होते हैं अनुदैर्ध्य। अब ये दोनों क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे अनुप्रस्थ में क्या होता है, समझ लो ये कोई बालू का स्तूप है जो लहरदार है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक बालू का स्तूप, ये दूसरा, और हवा इनके बिल्कुल लंबवत चलती है, मतलब इनके बिल्कुल समकोण के ऊपर चलती है। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। देखो हवा की दिशा तो ये है, और बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, जो लहरदार दिख रहे हैं, ये क्या अपने बालू का स्तूप। तो इन दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री का क्या दिख रहा होगा, कोण दिख रहा होगा। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। और जो इस प्रकार के बालू का स्तूप है अपने बाड़मेर जिले और जोधपुर जिले में क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। और मैं अगर अनुदैर्ध्य जिनको अपन रेखीय भी बोलते हैं उनकी बात करता हूँ, तो इनमें क्या बस दिशा का ही फर्क है। अनुप्रस्थ में क्या होता है, एकदम समकोण के ऊपर हवा आती है, लेकिन अनुदैर्ध्य में क्या होती है, जो ये दो बालू का स्तूप है इनके बीच में से हवा निकलती है। तो आप देख सकते हो ये पहला बालू का स्तूप, ये दूसरा, इनके बीच में से क्या होती है, हवा बहती है। तो ऐसे जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य या रेखीय बोलते हैं। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो अपने जैसलमेर जिले में क्या होते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। अपन कुछ और बातें कर लेते हैं। अगला है तारानुमा बालू का स्तूप। जैसा कि इसके नाम में क्लियर हो रहा है, इनकी आकृति किस प्रकार से होगी, तारा या तारे के आकार की होगी। जैसे आपको दिख रहा होगा ये कोई रेत का धोरा है, देखो ये एक भुजा,
ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, अगर मैं इसकी शेप को देखता हूँ तो मेरे को स्टार टाइप में दिख रही है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, तारानुमा बालुका स्तूप बोलते हैं। अब इनके बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, जो भी तारानुमा बालुका स्तूप होगा इनमें कम से कम 3 भुजाएं होगी या उससे अधिक ही होगी। अगर किसी में 2 भुजाएं तो उसको अपन तारानुमा नहीं बोलेंगे। तो इसकी ये कंडीशन है, 3 या अधिक भुजाएं होगी। और इनका निर्माण क्या होगा, कब होगा या कैसे होगा, तो देखो इनमें क्या होती है, कभी हवा इधर से बहती है, कभी इधर से बहती है, कभी इस दिशा से। तो इनमें क्या होती है, जो हवा की दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जब भी अनियमित पवन चलती है, मतलब जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती है, तब तारानुमा बालुका स्तूप का क्या होता है, निर्माण होता है। और अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करता हूँ कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जैसलमेर और जो गंगानगर जिला है उसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अगर मैं गंगानगर की बात करा बढ़ता हूँ तो सूरतगढ़ जो तहसील है या जो सूरतगढ़ अपना जगह है वहां पे क्या होते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसकी आप एक पिक्चर यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो ये भी क्या है, तारानुमा, एक दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, बिल्कुल स्टार के टाइप का अपन को क्या है, दिख रहा है। अगला जो अपना बालू का स्तूप है उसे अपन क्या बोलते हैं, सब्र काफीज या नेब का। अब ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, समझ लो ये कोई बालू का स्तूप आपको दिख रहा होगा। ऐसे इसके आसपास क्या होता है, कई बार ये घास उग जाती है। तो ऐसे बालू का स्तूप जिनके ऊपर इनके आसपास कई बार क्या हो जाती है, घास उग जाती है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सब्र काबिज या नेब का बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय जिले हैं उनमें स्कूल के आसपास भी बहुत बड़े बड़े धोरे होते हैं, उनमें भी क्या हो जाती है, घास वास उग जाती है, तो उन्हें अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सब्र काफीज या नेब का बोलते हैं। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस।